हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी पार्ट वन में, जिसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का और रीजंस देखे थे कि हम क्यों प्रेफर करते हैं फ्यूचर की बजाय प्रेजेंट में पेमेंट को लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमने पार्ट टू में बात की थी टेक्निक्स के बारे में, जो हमने बात की थी इसमें, सॉरी क्लासिफिकेशन, हाँ टेक्निक्स के बारे में कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना, मतलब कि इसमें कंपाउंडिंग टेक्निक के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल फ्लो। ठीक है, जिसको हम सीरीज ऑफ फ्लो भी जो है इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से पहले आप जो है उन दोनों पार्ट को जो है देख लीजिएगा, जिससे आपको जो है नॉलेज हो जाए उनकी भी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। मल्टीपल फ्लो, जैसे मैंने सिंगल फ्लो में आपको बताया था लंप सम, मतलब कि जिसको हम बोल सकते हैं कि उसमें जो पेमेंट हमें हो रही है वो एक साथ ही कई बार जो है कस्टमर कर देता है या फिर जिससे भी हमें पेमेंट लेनी हो। मल्टीपल फ्लो में क्या होता है कि वो कुछ पेमेंट अब करता है, कुछ पेमेंट बाद में करता है, कुछ थोड़ा और बाद में करता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, अब देखो जैसे ज्यादातर हम केसेस में क्या करते हैं, हम भी जो है इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं कहीं पे, तो हम भी क्या करेंगे डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट अमाउंट पर जो है हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे कहीं भी। ये तो है नहीं हम एक साथ कर देंगे, ठीक है, उससे तो हमारा जो है रिस्क जो है हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी में अब देखो जैसे हमने क्या किया, डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट अमाउंट को हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो इस केस में फ्यूचर वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हमने तो इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड पे किया ना, तो उसमें हम फ्यूचर वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें है हमारे पास दो चीजें, देखो व्हेन द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ठीक है, मतलब क्या है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, और सेकेंड में क्या है एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड। ठीक है, मतलब कि हर पीरियड के एंड में और हर पीरियड के स्टार्टिंग में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब देखो अब अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, कि जो इन्वेस्टमेंट है वो एट द एंड ऑफ ईच पीरियड है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, एफ वी मतलब कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल पी वन ब्रैकेट वन प्लस आई ब्रैकेट क्लोज एन माइनस वन प्लस पी टू ब्रैकेट वन प्लस आई ब्रैकेट क्लोज एन माइनस टू प्लस पी थ्री ब्रैकेट वन प्लस आई ब्रैकेट क्लोज एन माइनस थ्री प्लस ऐसे ही, मतलब कि एन तक चलता रहेगा। ठीक है, पी फोर फाइव सिक्स सेवन जितने भी होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें एफ वी क्या है, फ्यूचर वैल्यू है, पी क्या है इसमें हमारा प्रिंसिपल है, आई क्या है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन क्या है नंबर ऑफ ईयर्स है। ठीक है, तो ये हमारा है इसका फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट इसमें है सेकेंड फॉर्मूला है, जो अगर व्हेन द इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड, ठीक है, बिगनिंग की बात की गई है इसमें, तो इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, एफ वी इक्वल पी वन ब्रैकेट वन प्लस आई ब्रैकेट क्लोज एन प्लस पी टू ब्रैकेट स्टार्ट वन प्लस आई ब्रैकेट क्लोज एन माइनस वन, ऐसे ही, मतलब कि ये चलता रहेगा पी एन तक। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें थर्ड इसमें क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी, मतलब कि वार्षिकी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको देखने से पहले मैं आपको एन्यूटी बता देती हूँ कि एन्यूटी होता क्या है। एन्यूटी क्या है कि हमें पेमेंट मिलती है फिक्स टाइम पीरियड पर, ठीक है ना, मतलब कि कुछ जैसे कि डिसाइड कर ले कि एक साल बाद आपको इतनी अमाउंट मिलेगी, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट है जो उसकी, वो क्या है, वो आपको जो है मंथ टू मंथ मिल रही है। ठीक है ना, मतलब कि वो फिक्स कर दी कि वन मंथ में भी इतनी मिलेगी, सेकेंड मंथ में इतनी मिलेगी, थर्ड मंथ में इतनी मिलेगी, जब तक कि मतलब कि उसका टाइम पीरियड चल रहा है उसमें फिक्स कर दिया। ठीक है, वो क्या होता है, एन्यूटी होता है, वो वार्षिकी होता है। ठीक है ना, कि साल के, मतलब कि साल का टाइम दिया मिनिमम, और उस साल तक जितने भी मंथ बन रहे हैं उसमें जो है पेमेंट की, फिक्स पेमेंट की। ठीक है, कोई भी ज्यादा अमाउंट नहीं दी, अगर 500 रुपये हर महीना है तो 500 रुपये ही हर महीने तक दिया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, व्हेन द एन्यूटी एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। ठीक है, अब इसमें भी जो है दो टाइप इसके भी हो जाएंगे। ठीक है, अगर पूरे साल का आपको टाइम मिला है तो उसमें भी दो टाइप है, सॉरी, इसमें क्या है कि व्हेन द एन्यूटी एट द एंड ऑफ ईच पीरियड एंड व्हेन द एन्यूटी एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड। ठीक है ना, कि साल के एंड में या तो इकट्ठा आपको मिल जाएगा या फिर स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर इमीडिएट एन्यूटी है, ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, एफ वी इक्वल ए
डिवाइड आई ब्रैकेट शुरू ठीक है ना ब्रैकेट एंड 1 + i ब्रैकेट क्लोज एंड -1 ब्रैकेट क्लोज। इसमें एफ वी है आपकी फ्यूचर वैल्यू, ए क्या है इसमें एन्यूटी है या फिर ईयर बोल सकते हैं इसको आप ईयरली पेमेंट, आई क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन क्या है नंबर ऑफ ईयर्स है ठीक है। और इसी में ही अगर बिगनिंग मतलब कि एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड है एन्यूटी ड्यू है ठीक है, अभी पेमेंट नहीं हुई है इमीडिएट पेमेंट नहीं हुई है एन्यूटी ड्यू है आपकी ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का, एफ वी इक्वल होगा ए डिवाइड आई ब्रैकेट शुरू ए प्लस आई ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट फिर शुरू फिर ब्रैकेट फिर 1 + i ब्रैकेट क्लोज एन -1 ठीक है और ब्रैकेट क्लोज। ये क्या है फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का इसमें फॉर्मूला है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज की वीडियो आपको आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपको समझ आ गई होगी, और ये थ्योरी पर्पस से है आपके लिए, अगर आपने इतना भी लिख दिया एग्जाम में तो आप जो है अच्छे नंबरों से आप उसमें पास हो सकते हो ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, इसी के हम पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे, इसी में हम पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ठीक है, पार्ट 3 के बारे में हम बात करेंगे सॉरी 4 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारे पास हम डेबलिंग पीरियड के बारे में जो है बात करेंगे ठीक है, और थोड़ा सा हम देख लेंगे इंटरेस्ट रेट को भी। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, एंड तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।